जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, जिनकी हाइट कम है वो क्या करें? बहुत सारे दवाई ले लेकर आप थक गए हैं और कद आपका नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके पापा छोटे थे, या इसके जीन्स ऐसे हैं, या इनके तो पीढ़ियों से ये सब लोग बौने ही हैं। दोस्तों, आपकी ये धारणा आज से बदल जाएगी, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं लंबाई बढ़ाने का जो नुस्खा है, आयुर्वेद में उसकी बहुत मान्यता है और वो बहुत सरल नुस्खा है। इसमें सबसे पहले आप काले तिल और अश्वगंधा का प्रयोग देखिए, एक चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण को बनाने के लिए अश्वगंधा, काला तिल और खजूर और शुद्ध घी लेना है। बनाने की विधि देखिए, 1 से 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और 1 से 2 ग्राम काले तिल को पीस कर चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण को 3 से 5 खजूर में मिलाना है। अब इसे 5 से 20 ग्राम गाय के घी में 1 महीने तक खाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपकी लंबाई अपने आप बढ़ जाएगी। अश्वगंधा चूर्ण का इस्तेमाल कैसे करना है? इस नुस्खे के मुताबिक आपको केवल अश्वगंधा का चूर्ण बनाना है। इसके लिए आप जरूरत के अनुसार अश्वगंधा की जड़ ले लीजिए, चीनी और दूध ले लीजिए। थोड़ी सी मात्रा में अश्वगंधा की जड़ लेकर उसे पीस लें और चूर्ण तैयार कर लें। इस चूर्ण में बराबर मात्रा में चीनी मिलाकर रखें। अब जो मिश्रण तैयार हुआ है उसे 2 चम्मच मात्रा में 1 गिलास दूध के साथ डालकर पिएं। रात को सोने से पहले 45 दिनों तक इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर तो सुडौल बनाइए, आपका कद भी बढ़ता चला गया है। अब आपको खाना क्या नहीं है? तीनों चूर्णों में से आप किसी भी एक चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, तीनों को एक साथ ना करें, ये बेहतर होगा। लेकिन जितने दिन आपने चूर्ण का सेवन किया है उस दौरान आप ना तो फास्ट फूड खाएंगे, ना जंक फूड खाएंगे और किसी तरह के खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। यदि मुमकिन हो तो दवाओं का सेवन भी गाय के दूध के साथ ही करें। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।